अस्सलाम वालेकुम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 3.4 पेज नंबर 4 है। एरिया है एक, उसका ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो आपने ये फाइंड करना है, पाई की जो वैल्यू है वो है 22/7, तो आर की जो वैल्यू वो है 15। तो ये जो 22/7 है, 22/7, इसे आप ये भी लिख सकते हैं, ये 22/7 को आप लिख सकते हैं 3.1428। मैं लिख देता हूँ 3.1428। तो कैसे सिंपलीफाई करेंगे? जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्या है, लॉग का, लॉगरिथम का चैप्टर है। तो ऐसे करते हैं, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, क्योंकि लॉग का जो चैप्टर है, लॉग का चैप्टर है, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ए तो हमने फाइंड करना है, तो लॉग क्या करता है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। लॉग क्या करता है, मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज करता है, ये एडिशन में चेंज करती है, ठीक है ना। ये आपस में क्या हो गए, प्लस में चेंज हो गए हैं। तो लॉग लेते हैं आप दोनों का, लॉग पाई की क्या, पाई की कीमत है 3.1428। तो लॉग के आगे कोई नंबर हो, उसकी पावर हो, वो लॉग से पहले आती है, टू पहले आएगा, तो लॉग आर। तो आर की क्या वैल्यू है, 15। मैं लिख देता हूँ आर की वैल्यू 15 है, लॉग ए। तो इसका लॉग लें, लॉग 3.1428, इसका आंसर आया 0.49733। तो इसका लॉग लें, जो आंसर आए उसे टू के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लॉग 15 ये आंसर आया, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, टू के साथ, ये आया है 2.352। इन दोनों को ऐड करें, ये तो पहले मैंने लिखा है, पीछे वाले को ऐड करता हूँ, प्लस 0.4973। तो इसका आंसर आया लॉग ए का 2.8494, ये आया। लेकिन ये आंसर है लॉग का, हमने फाइंड करना है ए। तो लॉग कैसे खत्म होगा, एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, लॉग ए की तरफ मैंने एंटी लॉग लिया, इधर भी क्या लूँगा, एंटी लॉग, इधर मैंने एंटी लॉग लिया 2.8494 का। लॉग और एंटी लॉग खत्म हुए। ए का जो आंसर आया वो क्या है, ये मैंने पहले लिखा है, शिफ्ट दबाएँ, लॉग दबाएँ, ये क्या बन गया, एंटी लॉग। तो इक्वल का साइन, तो क्या आंसर आया, 707.1027, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 दिया गया, वी इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर ए। ये वॉल्यूम का फार्मूला है, पाई की वैल्यू है 22/7, जिसे मैंने पॉइंट में लिख दिया है, आर 2.5, एच है 4.2, वी हमने फाइंड करना है। तो दोनों तरह मैंने क्या लिया, लॉग लिया। तो लॉग के क्या करने हैं, लॉज अप्लाई करने हैं। ये देखें, ये लॉग 1 है, जो डिवीजन है किसमें चेंज होती है, माइनस में, माइनस लॉग 3 अलग। तो ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग पाई अलग, लॉग आर स्केर अलग, एज का लॉग अलग। लेकिन किस में चेंज हुआ, प्लस में, मल्टीप्लाई किस में चेंज होती है, प्लस में, ये डिवीजन में है, ये किस में चेंज हुई, माइनस में। तो लॉग 1 उसी तरह, लॉग 3 उसी तरह, पाई की वैल्यू 3.1428, लॉग इसकी क्या पावर, पावर क्या होती है, शुरू में आती है 2, शुरू में आएगा लॉग आर, आर की वैल्यू मैंने लिख दी है 2.5, तो एज की वैल्यू है 4.2। तो इसे हम सिंपलीफाई करते हैं, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग 1 क्या है, लॉग 1 जीरो के इक्वल है, ये 0, तो इसका लॉग 3, इसका आंसर आया 0.4771। ये तो माइनस वैसे पहले है, मौजूद है ना, इसका जो लॉग लिया वो आया 0.4771। तो इसका लॉग लें, लॉग 3.1428, इसका आंसर आया 0.4973। तो इसका जो भी आप लॉग लेंगे उसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, लॉग 2.5, ये आंसर आया, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं आंसर को 2 के साथ,
ये आप आंसर बना है 0.7958, तो इसका लॉग लें, लॉग 4.2 ये 0.6232। सब अब सॉल्व करें, लॉग बी इज इक्वल टू 0 0 ना भी लिखें, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 0.4771, इसे प्लस करें, प्लस 0.4973, इसे प्लस करें, प्लस 0.7958, इसे प्लस करें 0.,, ये आंसर आया। सबको मैंने सॉल्व किया, क्या आंसर है ये देखें, ये लॉग का आंसर है, लॉग वी, हमने वी फाइंड करना है, दोनों तरफ लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लिया, लॉग वी की जाना भी लिया, दूसरी साइड पे भी क्या लेते हैं एंटी लॉग, ये एंटी लॉग लिया 1.4392 का, ठीक है, तो लॉग और एंटी लॉग ख़त्म हुए, वी इज़ इक्वल टू इसका एंटी लॉग, ये पहले मौजूद है, शिफ्ट दबाया मैंने, लॉग दबाया तो क्या बन गया एंटी लॉग, तो इसका आंसर चेक करते हैं क्या आया, ये आंसर आया 227.49, ठीक है, ये आगे 1.5, ये इसका आंसर है।